हाँ, तो वो यहाँ पे ऑपोजिट में भी इलेक्ट्रॉन्स के। बिल्कुल, यहाँ पे देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल्स है, तो पॉजिटिव टर्मिनल्स में करंट का फ्लो इधर से होगा, इधर से होगा, और जो भी आपने सर एक वायर लिया हुआ है डाउट, इस तरह से करंट इस तरह से जाएगी और इस तरह से बाहर आएगी, मतलब इस तरफ जो जाएगी करंट का जो डायरेक्शन होगा वो ये वाला होगा। ये आप लिख सकते हो कि ये क्या है, ये आई है, करंट की जो डायरेक्शन का जो फ्लो है वो इस डायरेक्शन में होगा, इधर से जाता हुआ बैटरी के पॉजिटिव से जाता हुआ फिर इस तरफ से आता हुआ, ये करंट की डायरेक्शन को आपको दिखाएगा, ठीक है। और करंट के ठीक है। करंट का जब इधर जा रहा है, देखो करंट अगर मैं सोचूं ऊपर से ऊपर देखा जाए तो करंट की डायरेक्शन इस तरफ है, राइट साइड में है, और इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन किधर है, ये इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द करंट, करंट के अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो है, तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो है आपका इस तरफ है, करंट का फ्लो राइट साइड, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि इस तरफ है इसलिए है क्योंकि ये आपका प्लस टर्मिनल्स है और ये माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी प्लस से माइनस की तरफ होती है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से दिखाई गई है। और ये जो कंडक्टर लिया है आपने, इस कंडक्टर में क्या है, लेंथ इस कंडक्टर की, यहाँ पे हमने एल कंडक्टर की लेंथ ली हुई है, ठीक है। जी तो मान लो कि अगर यहाँ से इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से यहाँ तक है और सर, इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है, यहाँ पे जो आई दिखाया है वो करंट इस वायर के लिए दिखाया है मैंने, इस वायर के लिए, ऊपर में इसमें इसी में थोड़ी करंट को मैं दिखा रहा हूँ, क्योंकि करंट का तो फ्लो ऊपर से इधर से है प्लस से माइनस की तरफ, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड सेट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए फॉर्मूला क्या होता है, ई इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे वी अपॉन एल, जहां की वी जो है इस प्लस और इस माइनस के बीच की पोटेंशियल है, प्लस और माइनस दोनों जो टर्मिनल्स हैं इसके बीच की पोटेंशियल को आप वी बोल रहे हो, और पोटेंशियल डिफरेंस है तभी तो करंट का फ्लो होगा, पोटेंशियल डिफरेंस अगर नहीं होता है तो करंट का फ्लो कैसे होगा, तो ई इक्वल टू वी बाय एल, ठीक है। और अगर मान लिया हमने कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में मान लो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में सारे इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहे हैं, तो यहां पे हमने माना कि जो इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट हो रहा है उसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी यहाँ पे क्या है, वी डी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने को पता है कि एवरेज वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर, तो मान लिया यहाँ पे जो एन एक टर्म्स में मान रहा हूं यहाँ पे, ये क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इसको आप बोल सकते हो, दोनों टर्म्स आपने लिखा, एन के बारे में आपने बता दिया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो अब यहाँ पे आपको ये देखना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एल लेंथ के कंडक्टर से, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस एल लेंथ के कंडक्टर से होके पास कर रही है, पहले इसमें कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो देखेंगे, राइट। इस पूरे जो कंडक्टर हमारे पास दिया हुआ है इसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पास होगा, इसको जानने के लिए, या कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इसमें है उसको जानने के लिए आप क्या करोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इनटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, ये हमें जानना पड़ेगा, क्योंकि एन तो देखो एन यूनिट वॉल्यूम के लिए इलेक्ट्रॉन्स को, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बता रहा है, तो यूनिट वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स है ये बता रहा है, तो पूरे वॉल्यूम में कितना इलेक्ट्रॉन्स होगा, तो एन इंटू वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर आपको लिखना पड़ेगा, क्योंकि कितना टोटल वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर की क्या है वो देखना होगा आपको, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। और जहां तक वॉल्यूम का सवाल है वो आप समझ सकते हो कि एन तो है ही और यहां पे इसकी एरिया जो है वो ए है और लेंथ एल है, तो एन इंटू ए इंटू एल, मतलब एल इंटू ए इंटू एल कहने का मतलब इतना ए इंटू एल बोल दिया, तो मतलब ए इंटू एल ये वॉल्यूम हो गया और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गए, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इतना जाएगा, ठीक है। तो टोटल चार्ज इस एल लेंथ के कंडक्टर के लिए कितना होगा, तो इसके लिए टोटल चार्ज जो इस कंडक्टर के लिए होगा वो क्यू इक्वल टू एन इंटू ई, फॉर्मूला तो होता ही है, तो उस फॉर्मूले को यहाँ पे अगर आप अप्लाई करोगे तो टोटल चार्ज को अगर आप क्यू बोलते हो तो क्यू इक्वल टू एन, एन जो है वो आप देखो, और एन इंटू ई अप्लाई करना है, तो एन कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, तो वो नंबर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एन इंटू ए इंटू एल हो गया, एन इंटू ए इंटू एल, और ई तो ई से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तो ये टोटल
चार्ज हो गया जो इस कंडक्टर एल लेंथ के कंडक्टर में से होके पास करेगा, ठीक है। तो अच्छा, इस चार्ज को पास करने में टाइम कितना लगेगा? आपको पता है फॉर्मूला क्यू इक्वल टू एन ही होता है, तो एन ये पूरा एन जो है हमारे लिए अब ये है क्योंकि इसकी लेंथ एल है और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, तो अब पूरा का पूरा चीज यहाँ पे आपके पास एन इंटू ए इंटू एल इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और उसमें ई से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो ई से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया तो क्यू इक्वल टू एन इंटू ई टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ई मतलब इलेक्ट्रॉन, ये टोटल मिलके बन गया आपका टोटल चार्ज जो कि इसके अक्रॉस पास करेगा इस एल लेंथ के कंडक्टर से, कि भाई टोटल नंबर ऑफ चार्ज जो हो जाएगा इस एल लेंथ के कंडक्टर में, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो गया एन ए एल, और चार्ज कितनी हो गई ई, क्यू इक्वल टू एन ई लिखते हो, तो टोटल टोटल एक इलेक्ट्रॉन और टोटल वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो टोटल वॉल्यूम में एन इंटू ए इंटू एल इतने इलेक्ट्रॉन्स हुए, उसको अगर आप ई से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल चार्ज जो इस कंडक्टर में टोटल चार्ज होगा वो बता देगा इस सिलेंड्रिकल कंडक्टर में जिसकी लेंथ एल है और जिसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है। सिंपल सी बात सोचनी है आपको कि अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चलना शुरू करता है, यहां से इलेक्ट्रॉन शुरू करेगा इसके लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड यहां तक आ रहा है, तो यहां से यहां तक आने में इलेक्ट्रॉन कितना टाइम ले रहा है? मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन इस पूरे एल लेंथ को कवर करने में कितना टाइम लेगा? तो आप पूछ रहे हो टाइम कितना लेगा, तो ठीक है टाइम का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। टाइम क्या, देखो टाइम इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है इस एंड से इस दूसरे एंड तक की जो स्पीड डिस्टेंस है एल है, और स्पीड कितनी है, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो इसकी स्पीड है, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन चलेगा है ना। तो अब आई इक्वल टू क्या होता है, आई इक्वल टू आपने फॉर्मूला बहुत ही बेसिक फॉर्मूला, करंट को कैसे डिफाइन करेंगे, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट, आई इक्वल टू क्यू बाय टी, ठीक है। अभी आपके पास जो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज तो ये है आपका जो आपने यहां पे दिखाया एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, तो अब आपके पास इस कंडक्टर में टोटल चार्ज जो सिलेंड्रिकल कंडक्टर लिया है हमने उस पे टोटल चार्ज है एन इंटू ए इंटू एल इंटू ई, ये टोटल चार्ज हो गया, और इसके लिए टाइम कितना लगा आपको, तो टाइम एल अपॉन वी डी, तो अपॉन में एल अपॉन में वी डी, तो आई इक्वल टू ये आ गया। यहां पे आप एल और एल कैंसिल कर सकते हो, तो आई इक्वल टू आपके पास आएगा, देखो एन मैं अरेंज कर रहा हूं एक ऐसे तरह इस तरह से ताकि आपको टर्म्स याद रह जाए, एन और पहले मैंने ई लिखा, अब वी डी को ये वी डी ऊपर चला जाएगा, तो उसके बाद मैं वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी लिख रहा हूं, उसके बाद एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन लिख रहा हूं ए। तो देखो अब मैंने अरेंज करने का मेरा मकसद क्या था, मेरा मकसद था कि करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन देखना, वो मैं देख पा रहा हूं यहाँ पे। और याद रखने के लिए एक छोटा सा ट्रिक बताना, नेवडा अगर आप याद रखना चाहो तो एन ई वी डी ए नेवडा, नेवडा से आप करंट को डिफाइन कर सकते हो आई इक्वल टू नेवडा, और यही रिलेशन आपको बता रहा है, देखो जो मैंने लिखा है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड में करंट है और राइट साइड में ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी है जी। अगर दूसरा फॉर्मूला ओम्स लॉ की बात की जाए कि ओम्स लॉ के लिए और क्या फॉर्मूला हो सकता है, तो सिंपल सी बात है कि जब भी पोटेंशियल डिफरेंस सेटअप होगा किसी भी कंडक्टर में, जैसे ऊपर में हमने देखा कि एक कंडक्टर है उसकी लेंथ एल है और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस वी हमने मान ली, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो उसकी मूवमेंट भी हमने देखी, उसके बाद मैंने बताया कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था सबसे पहले पिछले क्लास में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला था ये इलेक्ट्रॉन है और कैपिटल ई जो है आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड है, टॉ रिलैक्सेशन टाइम होता है अपॉन में एम, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमने निकाला था, और मैंने यहाँ पे ये बात भी आपसे डिस्कस की थी। अगर पोटेंशियल पोटेंशियल की बात करें तो ई इक्वल टू एक रिलेशन आता है इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच का, ई इक्वल टू वी बाय एल,
ये भी हमने स्टडी कर रखा है। v पोटेंशियल होती है, l लेंथ होती है। अगर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी में ये फॉर्मूला मैं लगाऊं तो ये हमारे पास आएगा e, और कैपिटल e की जगह पे मैं v अपॉन l ये रख रहा हूं, tau और अपॉन में m, ये आ जाएगा हमारे पास। तो अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जैसा आपको पता है कि जो हमने ऊपर में कंडक्टर लिया था उसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या थी हमारे लिए, ए थी। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए हो, है ना, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम एन हो, ठीक है, या जिसको आप इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी बोलते हो, तो करंट उस कंडक्टर के थ्रू कितना जाएगा, ये भी आपने एक रिलेशन निकाला। वो रिलेशन क्या था, अभी अभी मैंने एक रिलेशन निकाला, रिलेशन बिटवीन करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी, आई इक्वल टू नेवडा एन ई वी डी ए, ये रिलेशन हमने निकाला था अभी। तो यहां पे आप देखो, इसमें मैं उसी फॉर्मूले को रख रहा हूं, देखो यहां पे क्या क्या टर्म्स है, और जो इसके बाद यहां पे जो वीडी है, वीडी के इस टर्म को मैं यहां पे रखूंगा, तो एन ई वीडी की जगह पे मैं ये पूरा रखने जा रहा हूं, स्मॉल ई वी टॉ अपॉन में एल इंटू एम, और एक आपके पास एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन रह गया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी आप यहां पे लिख दो। ये पूरा ड्रिफ्ट वेलोसिटी का टर्म्स आपने यहां पे लिख दिया है। अब देखो यहां पे हाँ जी, देखोगे अगर आप, मैं इसी को थोड़ा सा अरेंज करना चाहता हूँ, इधर जो हमारे पास टर्म है इसको मैं अरेंज करना चाहता हूँ राइट साइड में, जो ये है आप देखो, ये V है, ये वाला V, और इस V के साथ यहाँ पे I है, तो ओम्स लॉ जो है, ओम्स लॉ V इक्वल टू आई आर, इस तरह से रिलेट होता है। तो R तो मेरे पास कहीं दिख नहीं रहा, तो मुझे V और I दिख रहा है, तो मैं चाहता हूं कि क्यों ना इसको अरेंज कर लूं मैं। देखो क्या कर रहा हूं मैं, V तो आपका इस तरफ है, I को मैं राइट साइड में ला रहा हूं, V अपॉन I, तो ये वाला टर्म जो है अब इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा ऊपर में M इंटू L अपॉन में, बाकी सारे टर्म्स नीचे आ जाएंगे, जो कि है आपके पास N। अब इस E और इस E को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो एन ई स्क्वायर और टॉ इंटू ए, तो ये हमारे पास एक टर्म्स आ गया। तो ये अब यहां पे जब आप देखोगे, ये सब एक कांस्टेंट वैल्यू है जो कंडक्टर में दी हुई है, तो इसका मतलब आप ये समझो V अपॉन I, जो भी कंडक्टर के लिए ये टर्म्स दी हुई है, चाहे N है, E है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम है, इलेक्ट्रॉन है, टॉ है, रिलैक्सेशन टाइम है, एरिया है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये सब कांस्टेंट है। और जब ये सब कांस्टेंट होंगे तो V बाय I भी जो आपका क्या होगा, एक कांस्टेंट होगा। और जब ये कांस्टेंट होगा तो आपने क्या स्टडी किया है, आपको याद है कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्टडी किया करते थे, और V इक्वल टू आप बोलते थे आर आई, और प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट के टर्म में लिया करते थे, तो इसका मतलब आप बोलते थे V अपॉन I इक्वल टू R, तो इसका मतलब ये जो कांस्टेंट है ये ऑब्वियसली उस R के इक्वल ही रहा होगा, नेचुरल सी बात। यही जो आपको R ले आ रहा है ना यहाँ पे, ये R ही आपको बता रहा है कि ये प्रूफ करता है, प्रूफ ओम्स लॉ फॉर अ कंडक्टर, और जैसे R इक्वल टू यहाँ पे V अपॉन I था आपके पास, यहाँ पे ऊपर में मैंने अभी दिखाया है ना, और उसी तरह से यहाँ पे क्या है, R इक्वल टू V बाय I है, और वो अब देखो यहाँ पे, इसका मतलब आपके पास R के लिए एक और फॉर्मूला आपको आता हुआ दिख रहा है, वो क्या है, R इक्वल टू ये सारा टर्म एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉ इंटू ए, ये फॉर्मूला आपको यहां पे मिल रहा है। तो R के लिए अब दूसरा फॉर्मूला भी आपके पास अब रेडी है, जो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग है। अभी मैंने आपको एक टर्म्स दिखाया, I इक्वल टू एक फॉर्मूला था हमारे पास एन ई, नेवडा जब फॉर्मूला था एन ई बी डी ए, अब मैं यहां पे I अपॉन A को मैं सेपरेट कर रहा हूं, लेफ्ट साइड में मैं कर रहा हूं, I अपॉन A इक्वल टू हो गया एन ई वी डी। क्या आप बता सकते हो I बाय A क्या है, I बाय A जो है आपके लिए करंट डेंसिटी को बतलाता है,
तो देखो आपको हाँ यहाँ पे बिल्कुल एक और फॉर्मूला मिल गया, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन, करंट डेंसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का एक रिलेशन, एक और रिलेशन आपको यहाँ पे मिलता हुआ दिख रहा है। अब इसी में आप क्या करने जा रहे हो यहाँ पे, जैसे आपको अच्छे से पता है कि रेजिस्टेंस किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस आर, और उसके लिए फॉर्मूला भी आपने निकाला था, आर इक्वल टू रो एल बाय ए, ये फॉर्मूला था। और आर जो है आपका, अभी आर के लिए आपने फॉर्मूला निकाल के दिखा दिया हमें, वो था एम इंटू एल अपॉन एन ई स्क्वायर टॉ ए, ये आपने आपको ने बता दिया हमें। तो क्यों ना यहां पे आर की जगह पे अगर आप वैल्यू रखो इसको, तो देखो रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला आपको यहां पे मिलता हुआ दिखेगा। देखो मैं आर की जगह पे इसको रख रहा हूं, ठीक है, तो आर की जगह पे अगर मैं रखूं एम एल अपॉन में एन ई स्क्वायर टॉ ए, दिस वन इज इक्वल टू रो एल बाय ए, ऐसा रखोगे अगर आप, तो देखो आपसे क्या क्या कैंसिल हो रहा है यहां पे, वो चीज पहले देखो आप, आपका एल और एल दोनों तरफ कैंसिल हो रहा है, ए और ए कैंसिल हो रहा है, तो आपके पास रो के साथ रिलेशन आ रहा है। यहां पे अगर मैं इसको देखूं तो इस पूरे में रो के साथ क्या रिलेशन आ रहा है, देखो यहां पे, तो रो इक्वल टू ये सारा टर्म्स एम बाय एन ई स्क्वायर टॉ। तो रेजिस्टिविटी के साथ ये रिलेशन जुड़ता हुआ इसका आपको यहां पे मिल रहा है, रिलैक्सेशन टाइम के साथ रेजिस्टिविटी रिलेटेड है और ये इनवर्सली रिलेटेड है। और एक बात और बता दूं, रेजिस्टिविटी इंडिपेंडेंट है डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर के, डायमेंशंस ऑफ कंडक्टर मतलब कंडक्टर किस शेप साइज का है उससे ये इंडिपेंडेंट होता है। लेकिन हाँ, रेजिस्टिविटी किससे डिपेंडेंट है ये देखो, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम या नंबर डेंसिटी ऑफ कंडक्टर। तो रेजिस्टिविटी डिपेंड किस पे कर रहा है, नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टिविटी किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड कर रहा है, तो इस दोनों फैक्टर पे मेनली ये डिपेंड कर रहा है। हालांकि मास कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन्स कांस्टेंट है, लेकिन रेजिस्टिविटी नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और रिलैक्सेशन टाइम पे डिपेंड करता है। अगर ये आप जहां तक देखोगे, जहां तक टाइम का सवाल है, तो रिलैक्सेशन टाइम अगर आपका इंक्रीज कर रहा है तो उससे रेजिस्टिविटी पे क्या फर्क पड़ेगा, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चंस भी यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। तो आप देखोगे आपको यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिखेगा कि अगर रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करेगा तो जो रेजिस्टिविटी है आपकी वो डिक्रीज करेगी, और नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर इंक्रीज करेगा तो रेजिस्टिविटी आपकी क्या होगी, डिक्रीज करेगी। और ठीक इसके उल्टा, अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करता है तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन डिक्रीज करता है तो भी रेजिस्टिविटी इंक्रीज कर जाएगी, क्योंकि ये दोनों ही इसके रेसिप्रोकल यहाँ पे दिख रहे हैं आपको। आपको डिफाइन करने को आता है कि मोबिलिटी क्या है, या इस पे फॉर्मूला क्या क्या आती है वो भी आपको बताना है, या मोबिलिटी कभी कभी आपको ये भी पूछा जाता है कि मोबिलिटी के टर्म में आपको यहाँ पे दिखाओ कि भाई क्या चीज फॉर्मूले में किसके किसके साथ रिलेशन है, जैसे कि अभी तक हमने ऊपर में यहाँ पे रिलेशन देखा, तो इसी तरह से यहाँ पे भी हमारे पास ये मोबिलिटी जो है इसके बारे में आप बात कर लो। मोबिलिटी देखो एक सिंपल सा टर्म्स है, आप अगर बात करोगे तो आप बोलोगे मैं मोबिलिटी को म्यू से रिप्रेजेंट करता हूँ, ठीक है, म्यू सर ऊपर जो एम था वो इनफैक्ट मोबिलिटी जो है ये रेशियो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो यहां पे लिखते भी हो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड, इस दोनों के रेशियो को आप बोलते हो मोबिलिटी। अब देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के जहां तक सवाल है, ये तो फॉर्मूला हो गया आपके पास, आपने फॉर्मूला अगर कोई पूछ दे तो आप सीधा ये फॉर्मूला बोल दो, भी हाँ ये फॉर्मूला है। और यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी को जो है वो मैग्नीट्यूड के टर्म में लेते हो आप, मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब जहां तक सवाल है यहां पे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला अगर आप देखोगे, देखो वी डी ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपने फॉर्मूला देखा है ई ई टॉ बाय एम, ये फॉर्मूला है,
तो अगर मैं यहाँ पे इस फॉर्मूले को यहाँ पे रखूं तो क्या हो जाएगा, मोबिलिटी में क्या चेंजेस आएगी? तो मोबिलिटी इक्वल टू हो जाएगा ई टॉ अपॉन एम अपॉन में ई, तो ई और ई कैंसिल हो जाना है, मोबिलिटी के लिए आपके पास आ जाएगा ई टॉ स्मॉल ई मतलब इलेक्ट्रॉन, टॉ रिलैक्सेशन टाइम अपॉन में मास, बस ये मोबिलिटी का टर्म्स आपके पास आ जाएगा अगर डिप्लेसिटी का फॉर्मूला इसकी जगह पे आपने प्लेस कर दिया तो। और देखो जहां तक एसआई यूनिट का सवाल है, एसआई यूनिट जो होती है मोबिलिटी की वो मीटर स्क्वायर पर वॉल्यूम पर सेकेंड, इस तरह से यहां पे यूनिट आप यहां पे यूज कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी सीजीएस यूनिट भी होती है लेकिन यहाँ पे ये यूनिट आप अभी फिलहाल यूज कर सकते हो। अभी ये फॉर्मूला हो गया मोबिलिटी के लिए, नोट कर सकते हो आप इसको। सर्किट डायग्राम में आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, अगर जैसे आपने ये पूरा सर्किट डायग्राम लिया है, इस सर्किट डायग्राम में ये जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका है, यहाँ पे आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की जगह पे बल्ब का भी इस्तेमाल कर सकते हो, वो भी एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करेगा, और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह वो ट्रीट करेगा आपका बल्ब, बल्ब फैन कुछ भी आप एक कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइस आप कनेक्ट करोगे वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन आपका स्मॉल आर का जो रेजिस्टेंस है ये बैटरी का अपना इंटरनल, बैटरी का अपना रेजिस्टेंस है, ठीक है। अगर यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, मान लो मैंने डिसाइड देखा कि यहाँ पे करंट आई करंट फ्लो हो रहा है इस सर्किट में, तो जो डिफिनेशन होती है ईएमएफ की, जो डिफिनेशन होती है वो क्या होती है, ये होती है वर्क डन बाय द सेल इन कैरिंग ए यूनिट चार्ज अलोंग ए क्लोज सर्किट। किसी भी क्लोज सर्किट में जो यूनिट चार्ज को डिस्प्लेस करने में जो वर्क डन करता है ये, वो क्या होता है, वो ईएमएफ को बतलाता है, ठीक है। तो अब आप ये सोचो कि वर्क डन कैरिंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम कहां से कहां तक, तो मान लो कि यहां पे हमारे पास टर्मिनल्स ए है और ये पॉइंट हमारा इधर जो है बैटरी का दूसरी तरफ का ये वाला पॉइंट ये बी है, तो ए से ये चार्ज को लेके चलेगा, ए से लेके चला और चार्ज को रेजिस्टेंस से होता हुआ यहां से लेके फिर चार्ज को कहां पे लेके आया, बी तक लेके आया, ठीक है। तो आपने वर्क डन यहां पे इसका मतलब किया ए से बी तक लाने में जो यूनिट चार्ज को लाने में जो आपने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट जो वर्क डन किया वो आपका क्या है, वो भी आपका ईएमएफ ही है, ठीक है। बात समझना, यहां पे ईएमएफ के बारे में मैं जो बता रहा हूं काफी इंटरेस्टिंग है। ये देखो मैं शॉर्ट में यहां पे लिख रहा हूं ईएमएफ जो है आपका वर्क डन, शॉर्ट में लिख रहा हूं डब्ल्यू डी, वर्क डन इन कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम ए टू बी अगेंस्ट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। लेकिन क्या इतने से काम आपका हो जा रहा है? जी नहीं, यहां से आपका काम नहीं बनता, तो आपको क्या करना पड़ेगा। अभी देखो जितना चार्ज इसका मतलब ए से बी पे जा रहा है उसी वहीं दूसरी तरफ एक वर्क डन और भी हो रहा है जो यूनिट चार्ज बी से ए की तरफ भी लेके जा रहा है, उल्टा भी लेके जा रहा है, ऐसा भी जा रहा है ना, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि करंट अगर इधर से इधर फ्लो हो रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है। तो प्लस एक वर्क डन और है इन कैरिंग यूनिट चार्ज ये यूनिट चार्ज यहां पे देखने को मिलेगा कैरिंग यूनिट चार्ज फ्रॉम बी टू ए। इससे पहले आपने लिया ए से बी, अभी आप बी टू ए ले रहे हो। अब ये जो हो रहा है लेकिन ये हो रहा है अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस, क्योंकि जैसे आप लेके आ रहे हो तो चार्ज इंटरनल रेजिस्टेंस के अगेंस्ट भी आ रहा है, तो अगेंस्ट इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर,
स्मॉल आर। इस दोनों से एक चीज आपका बहुत ही अच्छा क्लियर हो जाता है कि वो क्या है, वो देखो सर्किट डायग्राम को साथ में देखते हो। इसका मतलब ये जो आपका ईएमएफ है, इसको मैं ईएमएफ ई यहां पे लिख रहा हूं, दिस वन इज इक्वल टू एक जो ए से बी पे लेके आ रहा है, मतलब ये पोटेंशियल जो है ये पॉजिटिव वाला होगा, प्लस एक पोटेंशियल जो बी से ए पे आ रहा है, मतलब ये दूसरा पोटेंशियल रहा होगा, इसको वी डैस मान लेता हूं। यू नो फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ चूंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आपका आर है और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के लिए ये वाला वी है वर्क डन के साथ, तो वी इक्वल टू आई आर प्लस ये भी ओम्स लॉ से वी डैश इक्वल टू आई, लेकिन इसके साथ जो रेजिस्टेंस है इंटरनल रेजिस्टेंस लगा हुआ है वो आर है, स्मॉल आर है। तो दैट मीन्स ई इक्वल टू आपके पास ये फॉर्मूला आ गया, तो ई इक्वल टू आप यहां पे आई कॉमन ले सकते हो, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। इसका मतलब करंट जो सर्किट में करंट जा रहा होगा वो इसी यहीं से आपको इस फॉर्मूले से यहां पे मिल जाएगा कि कितना करंट जा रहा था, यहां पे आप निकाल सकते हो। देखो बड़े ही आराम से आपने आई इक्वल टू यहां से निकालना है, आई इक्वल टू ई अपॉन कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। यहां से आपने निकाल लिया कि भाई सर्किट में करंट क्या फ्लो हो रहा था, इसके लिए फॉर्मूला आपके पास यहां पे मिल गया, ठीक है। लेकिन अभी एक काम और करना है आपको, वो क्या है वो देखना ध्यान से। मैं क्या कह रहा हूं, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल जो होगा, जैसे V इक्वल टू मैं लिखता हूं, V इक्वल टू आई आर मैं लिखता हूं, तो मैं पहले ऐसे ही लिख रहा हूं, यहां पे देखो V इक्वल टू आई आर, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस सेल के बाहर I और ये प्लस और माइनस के बाद के लिए V इक्वल टू आई, क्योंकि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R लगा हुआ पड़ा है आपका, तो V इक्वल टू आई की फॉर्मूला आपने क्या निकाला था, ये देखो I के लिए फॉर्मूला निकाला E अपॉन कैपिटल R प्लस स्मॉल R और इनटू में यहां पे R हो जाएगा। तो देखो पोटेंशियल का भी फॉर्मूला आपने यहां से फाइंड आउट कर लिया कि पोटेंशियल ये आ गई आपकी, ठीक है। एक काम और यहां पे करना चाहेंगे, जैसे आपने ये देखा यहां पे आप देख रहे हो कि भाई आपके पास क्या है, देखो जो फॉर्मूला है उसी फॉर्मूले में मूव करना है, E इक्वल टू V प्लस V डैश। तो यहां से मैं चाहता हूं कि आप एक काम करो, आप यहां से V निकालो, V इक्वल टू कितना हो जाएगा, E माइनस V डैश, तो E माइनस आई आर, वी डैश इक्वल टू कितना है, आई आर है। तो पोटेंशियल का एक और फॉर्मूला यहां पे आपको मिलता हुआ दिख रहा है, लेकिन ये ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस के टर्म में है, जबकि यहां पे भी ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस है और यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस भी है, लेकिन यहां पे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस का टर्म आपके पास नहीं दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ आपको इंटरनल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला पूछ सकते हैं कि भाई इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आप क्यों नहीं बता रहे, तो इंटरनल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला बताओ। तो चलो ठीक है, काम करते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला निकालते हैं। इसमें से निकाल सकते हो आप इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, या तो इससे निकालो या इससे निकालो। तो जब आप इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, मान लो कि मैं यहीं से काम करता, मुझे यहां से आसान लग रहा है, तो यहां से मैं निकालूं तो आई आर इक्वल टू हो जाएगा आपके पास ई माइनस वी। देखो आई आर को अगर आप लेफ्ट साइड लेके आते हो, यहां पे प्लस में है, इधर आ जाएगा, यहां माइनस में है तो इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में प्लस में, और वी को आप लेफ्ट से राइट की तरफ आओगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो ई माइनस वी और ये आई आर प्लस में आ गया, इस तरह का आ जाएगा, ठीक है। तो इस स्मॉल रेजिस्टेंस, जैसे मैंने बोला इंटरनल रेजिस्टेंस, मतलब स्मॉल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू यहां पे कितनी मिलेगी, देखो आर इक्वल टू आपके पास मिल रही है ई माइनस वी अपॉन में आई, ये निकल गया आपके इंटरनल रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला, ठीक है। तो क्या और भी इंटरनल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला हो सकता है क्या, चेक कर लेते हैं। देखो स्मॉल आर इक्वल टू ई माइनस वी अपॉन आई की जगह पे आप लिख सकते हो वी अपॉन आर, दिस वन इज इक्वल टू आप ये भी लिख सकते हो ई माइनस वी अपॉन वी इंटू आर। तो ये इंटरनल रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला आपको यहां पे मिलता हुआ दिख रहा है। क्वेश्चन में आपके पास दिया होगा कि
फाइंड द इफेक्टिव या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी फॉर द गिवन नेटवर्क।